उस हदीस के बारे में कि जिसमें इमाम हसन अस्करी सलाम ने बाज़ उलमा को शियों के लिए यजीद की फ़ौज से ज़्यादा नुकसानदेह करार दिया है और तफसील से हम बता चुके हैं कि ये वो उलमा हैं कि जो अंदर से नासबी हैं और नासबियों का साथ देते हैं और आइमा के फ़ाइल घटाते हैं और नासवियों की जो सिफ़त है वो वह कि वो आइमा के मुखालिफ हैं इमामत के मुखालिफ हैं उनके दुश्मनों का साथ देते हैं आयमा आमलम के फ़ाइल घटाते हैं और झूठे फ़जाइल उनके दुश्मनों के बनाते हैं और इस रवायत में इमाम ने ख़ास तवज्जो दिलाई है कि ये अपने आप को शिया जाहिर करके हमारे शीयों को शकूक और शबहत में मुबला करते हैं और उनके अकीदे को कमज़ोर करते हैं आज हम गुफ्तू करेंगे इस बारे में कि वो कि जिनकी तारीफ़ की गई है रवायात में और उनकी क्या ज़िम्मेदारी है तो सबसे पहले हम जो सबका हमारा लेक्चर है उसकी जानब तोज् दिलाते हैं कि ममिन उसको ज़रूर सुने ताकि इस ज़माने में वो लोग कि जिनके सर पे बास के अमामे हैं और अहल बैतमसलातलम की दुश्मनी में वो लोग लगे हुए हैं और फजाइल अहल बैतमसम घटा रहे हैं और दुश्मनान ने अहल बैत के फजाइल बयान कर रहे हैं तो खुलासता एक दो मिनट में इस मौजू की जानब दोबारा तोज्जो दिलाएं। आपके सामने किताब है एहतजाज अहमद बिन अली बिन अभी तलब तबरसी यानी शेख तबरीसी की जल्द नंबर है दो और सफ़ा नंबर है फाइव फाइव थ्री और यहाँ पर है वो मिन होम कौम नस्ाबन और उल्मा में से कुछ ऐसे हैं कि जो नासिबी हैं ला यकदरू ना अलक़द है फीना वो खुल्लम खुल्ला हमारी तोहन नहीं कर पाते और कुछ ूम हासिल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं यू ना बिना इन दुस्ाबिना हमारी तोहन करते हैं हमारे दुश्मनों के पास जाके अब ये कुछ ओलूम हासिल करके शियों को गुमराह करते हैं और फिर इमाम फरमाते हैं हम अगरफ़ा शयतना ये हमारे कमज़ोर शियों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं किससे यजीद की फौज से अब इनकी खसूसियत क्या है कि नासिबियों के साथ मिले हुए और यहाँ पर भी बयान हो रहा है हा उलमा नासिबू ना मोतशब हूना बेहम लना मोलूना येमाय सू नासिबी हैं अब यहाँ पर याद रहे कि यहां पर मुराद है नासबी से कौन कि जो दुश्मन है अहल बैत के अब अगर कोई अहल बैत के फ़ाइल बयान करता है वह कतान इसमें शामिल नहीं होगा यहां पर पर्टिकुलर डिस्कशन हो रहा है उन लोगों के बारे में जो शीया बन के शीयों के अक़ायद को ख़राब कर रहे हैं खसूसा इमामत के बारे में और सलाम के फ़ाइल के बारे में तो ये ऐसा जाहिर करते हैं जैसे कि ये हमारे चाहने वाले हैं वाल आदाए ना मदून और ये हमारे दुश्मनों के दुश्मन हैं लेकिन इनका काम क्या है युदलू न शक का व शब है अला अजवाफ़ा एशियतना ये हमारे ज़ईफ़ शयों के दिलों में शकु को शबहत को जन्म देते हैं इस बारे में मोमिन से गुज़ारिश है कि इस लेक्चर को तफसील से देखें अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि उलमा की ज़िम्मेदारी क्या है पर सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी की है वो यही है कि अल्लाह रसूल और आइमा लहमोन सलाम की मार्फ़त कराएं और मुसलमान माशरे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खुद आइमा सलाम के दौर में भी था और आज भी है वो रसूल अल्लाह सल वसम की वसीयत की मुखालफत है और उनके कौल की मुखालफत है उनकी शख्सियत को ख़राब किया जा रहा है जैसा कि हम बारह तवज्जो दिला चुके हैं कुतुब अहल सुन्नत खा सहाय सत्ता तोह रसालत से भरी हुई है लेकिन उनका जो असल अटैक होता है वो आय अहलबात वसलम की इमामत पर होता है और जो भी आइम्मा की इमामत में शक करे मुखालफत करे उनके दुश्मनों से मोहब्बत करे उनसे दुश्मनी का इजहार करे किसी भी तरीक़े से चाहे वो फज़ाइल कम करने के ज़रिए से हो चाहे वो किसी और तरीक़े से हो वो सब नासमी हैं बस बसाए अहल बैत की एक अहम तरीन सिफत यह है कि वो शियों को नासमियों से और उनके शकु को शुभहात से और उनकी गुमराहियों से बचाते हैं लिहाजा एहताज है तबरसी के इन शुरू के अबवाब में कि जो आपके सामने हम पेश करेंगे जल्द नंबर एक में इसमें उलमा की खसूसियात हैं कुछ का ताल्लुक़ है कि इनका जन्नत में क्या मक़ाम होगा इनकी क्या फ़ज़ीलत है लेकिन काम के अतबार से कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है क्योंकि आज कल ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जब शेयत का दिफा किया जाए तो उमन कहा जाता है कि ये इख्तलाफ़ किया जा रहा है यानि लोग हमें कत्ल करें आपको हक़ नहीं है कि अपना दिफा करें यानी लोग ये कहें कि शेयत तहरीफ के कायल हैं हम ना बताएं कि आपकी किताबों में कितनी तहरीफ है कितनी खुदा की तोह है कितनी रसूल सल्ह वसलम की तोहन है यानी दुश्मन हमें मारे हम अपने दिफा के लिए हक बयान नहीं कर सकते दुश्मन भी प्रोपागंडा करते हैं और दुश्मनों ने जो आलायकार हमारे दरमियान दाखिल किए हैं वो भी प्रोपागंडा करते हैं लेकिन इन रिवायात में जो सबसे अहम मौजू है वो यही है कि किमाय अहले बैत की अहम तरीन जिम्मेदारी यह है कि वह नासबियों से और उनकी साजिशों से और उनकी गुमराहियों से शीयों को बचाते हैं अब जब डिस्कशन किया जाता है और बहस करने वाले के बातिल मज़हब को बयान किया जाता है तो लोग कहते हैं ये तोहिन हो रही है तो वो भी हम बयान करेंगे नहजुल बलाह का भी हवाला और इसी एहतजाज़ तबरीसी का भी हवाला कि दुश्मना ने अहले बैत के मजहब के नकायस को और उनकी छुपी हुई चीज़ों को बयान करने का हुक्म आयम लहमूसम ने दिया है क्यों ताकि उनको बताया जाए आवाम को और यह हम बताते चलें कि तमाम अहल सुन्नत हमारे भाई हैं जान हैं उनके कदम हमारे सर आंखों पर यह सारा फितना जो इस दुनिया में हो रहा है ये उनके नासबी उलमा की वजह से हो रहा है और नासबी फकत वो नहीं हैं कि जो आयमा से जंग करें वो भी नासबी हैं जो हक को जानने के बाद आयमा के मकाम को और उनकी हैसियत को और उनकी अहमियत को और उनकी मरकजियत को छुपाते हैं तो आपके सामने है जिल्द नंबर एक एहतजाज तबरसी की और सफ़ा नंबर है नौ और हदीस नंबर है सात और यहाँ पर रिवायत है इमाम ज़ाफ़र सदसा से अल अलैहि महमदिन सदसल माशतना मोरब في सदी यली يلي व आफ़ारीता अब इसका तर्जुमा बयान कर देते हैं हमारे शियों के उलमा दीन की सरहदों के मुहाफ़ हैं पर सबसे पहली सिफत यह है कि दीन की सरहदों के मुहाफ हैं और क्या सिफत है ये हमारे कमजोर अकीदे वाले शियों को शैयातिन के हमलों से बचाते हैं और शैतान और उसके साथी अब ये शैतान और उसके साथी से क्या मुरादे यहाँ पर नवासिब को शियो पर मुसलत नहीं होने देते यमन अनिल शयतना वन ईयसता अलम इबलीसो व शिअत नवासिब के यहां पर हमने हाई लाइट कर दिया है कि अहम तरीन जिम्मेदारी उलमा शिया की क्या है कि वो शैतान और जो शैतान का गुरु है नवासब का अब नवासब कौन है जो भी अहल बैत के मुकाबले में आए चाहे वो इजहार मोहब्बत करके इमामत का इनकार करें और चाहे वो गालियाँ दे के और जंग करके और तलवार निकाल कर अहल बैत के मुकाबले में आएं ये सब नवासब हैं अब आगे इमाम फरमाते हैं कि अहम तरीन सिफत क्या है और ये शैतान और उसके साथी नवासब को शियों पर मुसलत नहीं होने देते अब जाहिर पर शियों पर मुसलत नहीं होने देते से मुराद कोई फ़िज़िकल तसलुत नहीं है यानी इन नासबियों के नज़रियात को शियों में फैलने नहीं देते अब इन उल्मा की फ़जीलत क्या है कि जो नासबियों से मुकाबला करते हैं आगर हो कि जो हमारे शीयों के अकीदों का दिफा करता है वो इन लोगों से दस लाख गुना अफजल है जो रोम और तुर्क व ख़र से जंग करते हैं खजर के बारे में डिस्कशन है कि ये रशिया वाले हैं यूक्रेन या उस तरफ़ के बाद वो बाशिंदे हैं जो एक ज़माने में वैशी थे और हमले करते थे अब ये क्यों अफजल हैं क्योंकि ये उलमा हमारे शीयों और महब्बों के दिन का दफा करते हैं जबकि वो लोग इनके बदन का दिफा करते हैं यानी जो फ़ौजी हैं वो बदन का दिफा करते हैं और ये लोग दीन का दिफा करते हैं और जो पहले रवायत गुजरी है कि जिसमें इमाम हसन अस्कर ने शाद फरमाया है कि जो शियों में शकु को शुबहत को जन्म दें ये यजीद की फ़ौज से ज़्यादा ख़तरा है को कि जो इमाम हुसैन को था क्युं? कि वो लोग कत्ल कर रहे थे लेकिन ये जो अफराद हैं कि जो शिया बन के दर हकीकत नासमी हैं दुश्मन अहल बैत हैं ये शियो के दिल में शकु को शुबहत को जन्म देते हैं जैसा कि पब्लिक जानती है कुछ अफराद के इस वक्त वीडियो क्लिप्स और उनकी गुफ्तु दुश्मन दुश्मनान इस्लाम और दुश्मन ने मोहम्मद वाले मोहम्मद के मॉरल को हाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन जो शियों का दिफा करते हैं उनके बारे में फौरन कह दिया जाता है कि ये के हैं यानी जो अहिल बैत की तोहही करें और दुश्मनों को सपोर्ट करें उनको बना दिया गया है सही माना में आलिम और मुजाहिद और जो अहल बैत का दिफा करें उनको कहा जा रहा है एम आई सिक्स का एजेंट तो पब्लिक इन चीजों से आगा हो और देखे कि कौन क्या कर रहा है आया इस्लाम वाक़ यानी मज़हब हक अहल बैत की सरहदों का दिफा कर रहा है जैसा कि इस रिवायत में बयान हुआ कि हमारे शिया वो हैं कि जो इस्लाम की सरहदों का दिफा करते हैं याद रखें इस्लाम यानी तालीमात क़ुरान और अहलैत सलाम इसके अलावा इस्लाम नहीं है कुछ अहल बैत के मुकाबले में जो नज़रियात हैं वो इस्लाम नहीं हैं गो के मुसलमान हैं लेकिन वो इस्लाम वाकई नहीं है वह गुमराही है एक बगावत थी रसूल आल रसूल के खिलाफ कि जो इस सूरत में नमूदार हुई अब पेज नंबर दस आपके सामने है और हदीस नंबर भी है दस और यह रिवायत इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम से नकल हुई और यहां पर उन शियों को कि जिनका इल्मी मैार बुलंद नहीं है उन्हें यतीम कहा गया है इमाम फरमाते हैं मोहम्मद के यतीम जो अपने इमाम से दूर होने की वजह से जहालत में भटक रहे हों और शयातीन और हमारे नासबी दुश्मनों के हाथ में असीर हों तो यहाँ पर भी हमने हाईलाइट कर दिया है फी एद बे मिन आदा इनाम यहाँ पर भी उन्हीं नासबियों का जिक्र है और दुश्मनान अहै का जिक्र है और की खूसियत क्या है कि जो इन लोगों को यानी यतीमान आले मोहम्मद को कि जो कम इल्म शिया हैं उनको इनकी साजिशों से और इनकी गुमराहियों से क्योंकि नासिबी क्या करेंगे अहल बैत के फवाइल को घटाएंगे अहल बैत की इमामत में शक डालेंगे तो उनके शकूक को शबहात से बचाए तो दोबारा तर्जुमा बयान कर देते हैं आल मोहम्मद के यतीम जो अपने इमाम से दूर होने की वजह से जहात में भटक रहे हों और शैयातीन और हमारे नासबी दुश्मनों के हाथ में असीर हों यानी इनकी तबलीग से मुतासर हों इनकी कफालत करने वाला जो इन्हें इस चुंगल से निजात दे और गुमराहिश से निकाले और शैतान के वसवसों को ज़ायल करके इस पर गाले बाजाए और नासबियों पर इलाहीजतों और आइम्मा के दलाल की मदद से गलबा पाए वक़ाहरा नासिबीना बेहजा ज रबेहम यानि आल में अहल बैत की सफ़त क्या है कि वह गलबा पाए इन नासीबियों परही दलीलों के ज़रिए से खुदा के नज़दीक इसका मक़ाम एक आबद से इतना बुलंद है जैसे आसमान ज़मीन से और अरश और कुर्सी आसमान से ऐसे अफराद को एक आबद पर वही फ़जीलत हासिल है जो चौदही के चाँद की रोशनी को एक नाकबिल रोय सितारे पर अब आपके सामने पेज नंबर 11 और हदीस नंबर है 11 और ये रिवायत है इमाम अली नक़ी आ सलातम से और इसमें इमाम आने वाले ज़माने के बारे में गुफ्तू कर रहे हैं कौन से ज़माने के बारे में कि जब इमाम ज़मान सलाम की विलादत होगी यानी अभी इमाम नक़ी सल सलामाम का दौर है फिर इमाम हसन अस्करी सलाम का दौर आएगा फिर इमाम ज़मान सलाम की इमामत होगी गैबत में जाएंगे और यानी इस ज़माने के बारे में बात हो रही है और इस ज़माने में जो उल्मा की ज़िम्मेदारियाँ बयान की हैं इमाम सलाम ने उसकी जानब हम तोज्जो दिलाते हैं लौला मैबा बद गबत का कुम अब एक नुस्ख़े में कम कुम है और एक में है कायम ना यानी हमारे कायम और एक में है कि तुम्हारे कायम अगर हमारे कायम की गैबत के बाद यानी इमाम की गैबत का ज़माना यानी ये ज़माना चल रहा है अगर क्या होता इनकी जानब दावत देने वाले नंबर एक इनकी जानब रहनुमाई करने वाले दूसरी सिफत इलाही दलीलों से दीन का दिफा करने वाले अल्लाह के कमजोर बंदों को शैतान और उसके चेलों के फरेब और नवासिब के जाल से महफूज रखने वाले उलमा ना होते तो यहाँ पर हमने रेड से हाईलाइट कर दिया है वमेन फिफाख नवासिब तो यहाँ पर भी इमाम ने जो जिम्मेदारियाँ बयान की हैं उलमा की या जो खसूसियात बयान हुई हैं इस रिवायत में वो क्या है कि उलमा कौन हैं कि जो शैतान के जाल से बचाएं और नवासिब के जाल से और नवासिब का जो तरीक़ा है शिकार का उससे बचाएं तो इमाम फरमाते हैं अगर इन सफ़ात के उलमा ना होते लमा बकिया अहद अगर ऐसे कि जो शैतान की चालों से और नासबियों के चुंगलों से बचाने वाले न होते तो इमाम फरमाते हैं तो क्या होता तो कोई भी दीन पर बाकी ना रहता सब मर्तद हो जाते लेकिन येमा होंगे जो हमारे कमज़ोर अक़दे वाले शीयों की जमा में कल्ब यानी अक़ीदे को ऐसे थाम के रखेंगे जैसे कश्ती को चलाने वाला सवारों को संभाल के रखता है यही अल्लाह के नज़दीक फजीलत वाले हैं तो यहाँ पर भी तवज्जो है मिनफाक़ नवासिब यानी नवासिब के जालों से बचाना एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी है इसबत के ज़माने में अब एक डिस्कशन किया जाता है कि दौरान गुफ्तु हम सामने वाले यानी मजहब के जो जाहिर के अक्सर नासबी हैं और हम बता चुके हैं कि जो भी आयमा की इमामत का इनकार करे कुछ प्यार से इनकार करते हैं कुछ तलवार खींच के और तोहन करके और गाली देके करते हैं काम सब एक कर रहे हैं रसूल सल्ल वसलम के कौल की मुखालफत कर रहे हैं उनके सही वारिसों का इनकार कर रहे हैं और उनके कौल को हजर और बकवास कहने वाले को बुलंद मकाम अता कर रहे हैं और अहल बैत को उस मकाम से हटा रहे हैं तो पेज नंबर पंद्रह आपके सामने है और हदीस नंबर है सत्रह और इसमें इमाम इर्शाद फरमा रहे हैं और हुक्म दे रहे हैं के दुश्मनान अहल बैत के नज़रियात जो छुपे हुए हैं और जो बुरे नज़रियात हैं जो उनके दीन की और मज़हब की खामियाँ हैं उन्हें बयान करो क्यों बयान करो ताकि पता चले कि यह क्या गंद बला है तो ये कहना कि जी किसी के दीन की चीज़ को खोल के ना बयान किया जाए यह गलत है तालीमत कुरान और अहले बैत यही है मिसाल के तौर पर अल्लाह सुबहाना मताल के मुकाबले में बुध को लाया जाए तो क्या बुध के नकायस को ना बयान करें अंबिया लहमोन सल्लाम के मुकाबले में बातिल अम्बिया को लाया जाए तो उनके नकायस को ना बयान करें आया लहलम के मुकाबले में किसी को लाया जाए तो उनके नकायस को ना बयान करें आय्मा की तालीमत के मुकाबले में बेहदा तालीमत को लाया जाए तो उन तलीमत की बेहदगी को बयान ना करें अक्की सी बात है और आयम यही फरमा रहे हैं अब ये रिवायत आपके सामने है इमाम जाफर जाफ़िर से सवायत हैं इमाम फरमाते हैं जिस शख्स का हम वम ये हो कि वो अहल बैत की मोहब्बत में कमज़ोर अकीदा शियों को नासबियों से बचाए तो यहाँ पर आप तवज्जो दें कि अहम तरीन सिफत एक आलम की कि जो कुरान और अहल बैतम्स से वाबस्ता हो वो क्या है जिसका हम यह हो कि वो कमजोर शियों को नासबियों की गुमराहियों से बचाए दोबारा इसका तर्जुमा बयान करते हैं हदीस नंबर सत्रह और पेज नंबर है पंद्रह जिस शख्स का हम यह हो कि वह अहले बैत की मोहब्बत में कमजोर अकीदा शियों को नासबियों से बचाए और इनसे शर को दूर रखे यानी शियों से शर को दूर रखे हमारे दुश्मनों के नकायस बयान करें ये अहम तरीन मौजू है कि जिसको आमतौर पर अब झुटलाया जा रहा है कि नहीं किसी के दीन और मजहब की चीज़ को बयान ना करें जबकि यह बयान करने का हुक्म आयम सलाम ने खुद दिया है और यही हुक्म बलागा में भी है जो इसके बाद बयान होगा अब वो क्या हुक्म है वकशी हिम मखाजी यानी इनकी वीक पॉइंट इनकी बेहूदा चीज़ें वो चीज़ें कि जो शर्मनाक हैं वो जो नकायस हैं शर्मंदगी का सबब हैं उन्हें बयान करो मिसाल के तौर पर इन लोगों ने शोर मचाया हुआ है अहल बैत के चाहने वालों के ख़िलाफ़ तहरीफ कुरान का तो क्या करना चाहिए जितनी रवायात तहरीफ कुरान की हैं वो दुनिया को दिखानी चाहिए ताकि पता चले हमारे बरदरान अह सुन्नत को कि उनके कितने बड़े चालबाज हैं यह मिसाल के तौर पर तोहन रसालत का शोर दुनिया के सामने मचाया हुआ है जबकि तोहीन रसालत जितनी कुतुब अहल सुन्नत में खसूस सहाय सत्ता में है इतनी दुनिया के किसी मजहब और मकतब में नहीं है ना इतनी तोहन किसी हिंदू ने की है ना इतनी तोहन किसी ईसाई ने ना यह ने कि जितनी कुतुब अहले सुन्नत में है लेकिन अपने नकायज़ को छुपाने के लिए उन्होंने शोर मचाया हुआ है अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर इस तोहन रसालत के नाम पर जो कतले आम के बाजार को गर्म किया हुआ है इसको अगर रोकना हो तो उसका वाद तरीका यह है कि कुतुब अहल सुनत खूस सिता में जो तोह रसालत है उसको खोल खोल के दिखाया जाए ताकि ये जो शोर कर रहे हैं कि कभी किसी ने तोहन कर दी उसे मार दिया कभी किसी को तोहन का इल्जाम लगा के मार दिया यह मिस ना कर सकें इनको यह कहा जाए कि अगर तोहन रसालत का कानून वाकन नाफिस करना है तो पहले तो आपको पर पाबंदी लगानी पड़ेगी तो तर्जुमा आपके सामने है अन हमारे दुश्मनों के नकायस बयान करे अब जाहिर है दुश्मनों के नकायस यानी ये नहीं कोई लंगड़ा या लूला मजहब और मकतब में क्या नकायस बेहूदगियां हैं उन सबको बयान करे औरत जमा है औरत की यानी इनकी शर्मगाहों को यानी ऐसी चीज़ें जिनसे इनको शर्मिंदगी हो इनकी जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो इन्होंने ढकी हुई हैं उन्हें खोले इनकी छुपी हुई बातों को खोले और क्या करे मोहम्मद वाल मोहम्मद आल्लाम की अज़मत और अमर इमामत को बयान करे वम्र मोहम्मद वही अब अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा तो खुदा वंदबारक वाली फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत में महलत और इमारतें बनाई जाएँ दुश्मन खुदा के खिलाफ दलील पर मबनी एक एक हर्फ के बदले इसे जो अजर मिलेगा वह दुनिया की अमलाक से ज़्यादा होगा वो घर इतने मजबूत होंगे कि ज़मीन व आसमान के वजन को उठा सकेंगे इसके महलत इमारतों और नमतों की तादाद को सिवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता लेकिन जो असल मौ है वो क्या है कि इस रिवायत में इमाम रहे हैं कि जो भी अहल बैत के मुकाबले में हैं उनका क्या किया जाए यक्षिफो हिम महाावीम वन अवरात कि इनकी बेहदगी को और जो नकायस हैं उनको बयान करो और छुपी हुई बातों को खोल खोल कर लोगों को दिखाओ यही मौजू नहजुलबलाहा में है खुदबा नंबर दो सौ चार और बाज़ नुस्खों के हिसाब से सभी साल ही का जो है उसमें दो सौ चार है मुफ्ती जाफर साहब के तर्जुमा में दो सौ छः है कि जब जंग सिफीन से आप वापस आ रहे थे तो इस एक जुमले को हमारे यहाँ बाज़ बाज़मा बयान करते हैं इन्नी अकर हो लकुम अतकुन सब्बाबीन वला किन नकुम को भूल जाते हैं सिर्फ़ इतना कहते हैं कि मौला ने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम गाली देने वाले हो मैं तुम्हारे लिए इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि तुम गाली देने वाले लगो और जो असल हुक्म है इमाम का जो असल बात है उसको छुपा लेते हैं व लाकिन नौ वसब तुम अमाल व ज़क्र तुम हम का नौल व अब लगा फिलअर अगर तुम इनके करतूत खोलो और इनके सही हालात पेश करो तो यह ठिकाने की बात और उज्र तमाम करने का सही तरीक़ार होगा यानी यहां पर इमाम फरमा रहे हैं कि गाली ना दो वाक़ा नहीं देनी चाहिए लेकिन दुश्मन आने रसूल अल रसूल के नकायस को और उनकी चीज़ों को खोल खोल के बयान करना चाहिए कि हम क्यों नहीं मानते इनको और जो दूसरा तर्जुमा है वो क्या है बेहतरीन बात यह है कि तुम इनके अमाल और हालात का तस्करा करो ताकि बात भी सही रहे और हजत भी तमाम हो जाए ये तर्जुमा है मौलाना झिशान हैदर जवादी साहब का और अब आपके सामने है पेज नंबर 16 और हदीस नंबर है 19 और यहाँ पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास आके कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पड़ोस में कुछ लोग हैं जो हमें अजियत देते हैं और किसके ज़रिए से अजियत देते हैं यानी मौला अमिरम्न के मुकाबले में जो पहले चंद अफ़रा थे उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं सानी व सालिस के तो इमाम ने क्या फ़रमाया इमाम हसन अस्करी सलाम ने अपने बादशागदों को बताया कि कुछ शिया इनके पास आए और कहा कि इनका एक नाज़बी पड़ोसी है जो अव्वल दो मौला अली सलाम पर फजीलत के दराइल देता है जिनका जवाब देना इनके लिए मुश्किल होता है इमाम अस्करी सलाम ने फरमाया कि मैं किसी को भेजूंगा जो इनकी बात को खोल कर औकात वाजे कर देगा यानी हालात और चीजों को वाजे कर देगा अब यहां पर जो असल बात है वो ये है कि ये अजियत हो रही है इनको और ये लोग अजियत दे रहे हैं किसके जरिए से कि मौला अमिरमिन के फजाइल को घटा रहे हैं और उनके फजाइल दूसरों को दे रहे हैं फकाल हसनों अबास कुम मई एन कुम वह गरो शान लदई कि मैं किसी को भेजूंगा कि जो बहस करेगा और इनकी शान को छोटा करके वाजह करके दिखा देगा कि इनकी क्या औकात है और ये क्या मकाम है तो यहाँ से बात वाज हो गई किहल बैतम की जो अहम तरीन ज़िम्मेदारी है वो अमर इमामत का दिफा है क्योंकि जो मुकाबले में लोग हैं वो नासबी हैं और नास्बी इमामत के ख़िलाफ़ खड़े हैं कभी तलवार के ज़रिए कभी दीगर चीज़ों के ज़रिए बस शैतान से बचाना है कौम को और नासबियों के शर से बचाना है खसूस ऐसे दौर में कि जब तोहमतें लगा के कत्ल किया जा रहा हो मिसाल के तौर पर जी कि जो शी का बकरी खा गई और ये हम बारह डिस्कस कर चुके हैं हमारा लेक्चर मौजूद है कि किसका कुरान किसकी बकरी ने खाया ऐसी हमारे कोई रिवायत नहीं है ये हज़रत आयशा की दास्तान है उन्होंने कहा था कि क़ुरान बकरी खा गई बिल्कुल इसी तरह जो तोह रसालत के नाम से शियों पे हमले हो रहे हैं जैसे आशक़ साहब को शहीद किया गया अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो कुतुब सुन्नत में तोहन रसालत है उसे बयान करें ताकि पता चले कि तोहन रसालत ईसाई या यहूदी या हिंदू या कहीं और से होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि जितनी सहाय सत्ता में दुश्मन ने रसूल अल रसूल ने की और क्योंकि क्योंकि ये अहल बैतून सलामाम के मुखालिफ थे और क्यों मुखालिफ थे क्योंकि अहल बैत रसूल अल्ला वसलम का दफा करने वाले थे लिहाजा इन्हें रसूल अल्ला वसलम की तोहीन करनी थी और मुख्तलिफ रवायात बना के तोह की गई बस हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि आयम सल्लाम की इमामत का ज़िक्र हो और दलाइल दिए जाएँ और शकु को शबहत को जन्म देने वालों से मुकाबला किया जाए चाहे वो अंदर से हों चाहे वो बाहर से हों और जो भी आयमा आम सलातम के फ़ायल को घटाए और को शबहत जन्म दे और शीयों को शको शुबहत में मुबला करे तो जान लें ये लोग नासबी हैं और शीयों के लिए यजीद की फौज से बदतर हैं दुआ के खुदाबंद वाली हम सबको तलीमत क़रान और अहल बैतम्स पर करने की और आयो स के फ़ाइल बयान करने की और दुश्मन ने अहल बैतूल सलातम के चेहरों से नकाब हटाने की तोफ़ी कतः फरमाए वाला महमदुम ताहिर